बट दिस इज अ व्लॉगर्स लाइफ, बाहर निकल कर कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने को व्लॉग करना पड़ता है, समझ रहे हो। और आज जी तो जी अभी हमारा मंदिर देख के हो गया है और यहाँ से अभी मैं आगे की तरफ को निकल रहा हूँ कि ये जो रास्ता है, इस रास्ते पे अनोखे राम जी ने बताया था कि यहाँ पर काफी अच्छे व्यूज देखने को मिलता है, तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ को, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखा दे। अभी टाइम हुआ 10:15 और अभी मैंने पानी पिया है और अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ की तरफ को, लेकिन दूसरे रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अनोखी जी ने बताया कि उस रास्ते से कुछ अच्छे व्यूज देखने को मिल सकते हैं अपने को, तो अभी चलते हैं कहाँ तक पहुँचते देखते हैं। यार वाइब्स है पहाड़ों की। बात तो है कि यहाँ पर आने में थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन काफी अच्छा है, बढ़िया है। और जी कामले की सड़कों से मोटो ब्लॉग करते हुए आपके अपने दीपक शर्मा और एक अलग व्यू है यहाँ से। और जी अभी हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट ही की है और जर्नी स्टार्ट करते ही क्या अमेजिंग व्यूज स्टार्ट हो चुके हैं, और ये व्यूज आप लोगों से शेयर करना तो बनता ही है क्योंकि आखिर आप लोगों के लिए ये जर्नी किया जा रहा है। हालांकि यहाँ से चंडीगढ़ ज्यादा लंबा पड़ेगा, तकरीबन 48 किलोमीटर है, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इतना अच्छा व्यू देखने को मिल गया कि मुझे एक लंबा रास्ता लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप लोगों के साथ इतने अच्छे अच्छे व्यूज जो शेयर करने। तो देखो वैसे इस वजह से कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं है, बस ये कि यहाँ से हम कुछ इन पहाड़ों को एंजॉय करें, और काफी दिनों से मैंने अकेले राइड किया है पहाड़ों में, सोचा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लेते हैं। ऑलराइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉय एंड गर्ल्स, एक बहुत 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 बड़े खेत के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि राइड की शुरुआत में ही हमारे साथ हो चुका है एक पंगा। हमारे जो नॉइस का बैटरी था वो हो चुका है लो, और जो स्पेयर बैटरी था वो मैं साथ में लाना भूल गया, वो घर पर ही रह गया, और आगे का जो राइड है ये मैं आपको मोटो ब्लॉग के जरिए शेयर नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, मैं खुद चाहता था कि ये जो राइड है इसको मैं मोटो ब्लॉग के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इतना एडवेंचरस राइड है मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया, और ऊपर से आज मैं हूँ भी अकेला, तो एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला था आज। बट दिस इज अ व्लॉगर्स लाइफ, बाहर निकल कर कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही अपने को व्लॉग करना पड़ता है, समझ रहे हो। बट ठीक है यार, इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि स्पेयर बैटरी में साथ में लेकर चलूं चाहे जो मर्जी हो। और अभी का जो व्लॉग है ये मैं आपको बीरोल्स के जरिए दिखाता हूं, तो देखो। ऑलराइट ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉय एंड गर्ल्स, अभी अपने को रास्ता मालूम चल नहीं रहा है, नेविगेशन में मैंने देख लिया, यहाँ से भी यू टर्न बता रहा है, तो अभी हम लोग मुड़ चुके हैं वापस चंडीगढ़ की तरफ को, और कोशिश मैं करूँगा कि जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से ना जाऊँ, एक अलग रास्ते से जाऊँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अलग व्यूज़ अपने को देखने को मिले और हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और अभी हम लोग है परमाणु से 10 किलोमीटर आगे, और यहाँ पर आकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, हालाँकि ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं है, बट स्टिल प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों, तो ये एक चीज़ मैंने फील किया है, तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं क्या अपने को देखने को मिलता है, तो आ जाओ। आज के व्लॉग में इतना ही है, आई होप इस व्लॉग में मैं आपको जितना दिखा पाया आपको देखने में मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, आवाज रहिए, खुशियां बांटते रहिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले व्लॉग में।